और एक बात दोस्तों, ये इनको पर्सनली इच्छा नहीं है कि ये हेयर कट करवाए, सो ये आप सबसे सजेशन मांग रही है कि ये अपने बाल को कट करवाए या ना कराए। सो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनको अपने बाल को कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्यों। इनको पर्सनली, इनके लंबे बाल इनको बहुत पसंद है, बट नीचे से काफ़ी रफ हो चुके हैं। सो हमारा सजेशन तो यही है कि ये स्प्लिटेंस या जो रफ बाल है उसको निकाल दे, बट ये आप सबसे सजेशन मांगना चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो मैं हूँ अनन्या, मेकओवर ब्यूटी बार से। लॉकडाउन ओपन हो चुका है, हमारा सलून भी ओपन है। सो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, उनको हेयर ऑयल मसाज करवाना है। सो आज का स्पेशल ये है कि मेरे हस्बैंड उनको हेयर ऑयल मसाज करके देने वाले हैं, तो चलते हैं, देखते हैं वो कैसे आप मसाज करके देंगे। तो सबसे पहले मैं इनके हेयर को ओपन करूंगी और देखूंगी कि इनके हेयर में क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने काफी टाइटली बांध करके रखा है। बाल तो इनके अच्छे हैं बट काफी रफ है। इनके बाल तो काफी लंबे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, बट इनके बाल में एक प्रॉब्लम है कि इनके बाल काफी ज्यादा रफ है और स्प्लिटेंस आ गई है इनके बालों में। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके बालों को कटिंग की जरूरत है, पर ये अपने लेंथ को कम नहीं करना चाहती है। सो कोई नहीं, आज इनके बालों में हम हेयर ऑयल मसाज ही करके देने वाले हैं सर। सो स्टार्ट करते हैं ऑयलिंग का प्रोसीजर। हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे। इनको कोकोनट ऑयल ज़्यादा पसंद है, इसके लिए कोकोनट ऑयल का क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। इसके साथ साथ हम ले रहे हैं कैस्टर ऑयल ले रहे हैं। बहुत ही लाइट क्वांटिटी लिया है। अब हम लेंगे अर्गन ऑयल, ये भी इनको मैंने 2 या 3 ड्रॉप ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि इनको कोकोनट ऑयल ही ज़्यादा पसंद है। अब हम इसमें विटामिन ई की गोली ऐड करने वाले हैं। सो कितना लेने वाले हैं हम गोली, एक दो, या दो? दो। ओके, इनके लेंथ के हिसाब से हम 2 गोली लेने वाले हैं। इसका जो लिक्विड है हम इसमें ऐड करेंगे। हम और एक लिए और इसको कट किए और इसके अंदर का लिक्विड निकाल दिए। जैसा कि मैं हर एक हेयर ऑयलिंग की वीडियो में आपको बताती हूँ कि विटामिन ई की गोली ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा भी होता है। सो आप जब भी हेयर ऑयल करें, अपने घर पे करें, तो विटामिन ई की गोली ज़रूर ऐड करें। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इनके बालों में ऑयलिंग। मेरे हस्बैंड अब अपनी सिस्टर का ऑयलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्होंने पार्टीशन कर लिया है। सो देखती हूँ इनका कैसा तरीका है एप्लीकेशन करने का। वाओ, सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले एप्लीकेशन रूट पे कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसे सबसे पहले रूट पे एप्लीकेशन करना है। तो दीदी, लॉकडाउन में आपने कितनी बार ऑयलिंग किया था? पूरा लॉकडाउन ऑयलिंग नहीं की। पूरा लॉकडाउन ऑयलिंग नहीं किया, इनके हेयर इतने ड्राई गए थे। गाइस हम इसको अच्छे से ऑयलिंग करके देंगे। सो ये काफी अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हैं इनके बालों में।
इन्होंने फ्रंट का पूरा कवर कर लिया, अब ये बैक पे आए हैं और बैक के रूट पे काम कर रहे हैं। ओके, अब मसाज देना स्टार्ट करोगे। रूट पे वर्क हो गया, रूट पे सारे रूट पे एप्लीकेशन आपने कर दिया है, अब आप मसाज दे रहे हो। सो फ्रेंड देख सकते हैं, ये अपने फिंगर टिप्स से हेड पे मसाज दे रहे हैं जेंटली। अगर आपको है घर पे हेयर ऑयलिंग करनी है और आपको ज़्यादा मसाज नहीं देना है या फिर आपको ज़्यादा मसाज का स्टेप नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये कैसे फिंगर टिप से लाइटली जेंटली मसाज दे रहे हैं। ये कोई भी कर सकता है, बस आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो पहले ये लेफ्ट साइड में मसाज दे रहे हैं जेंटली, सेम प्रोसेस से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप देख सकते हो। अब ये राइट साइड पे आ गए हैं, सेम प्रोसीजर करना है आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने फिंगर टिप से जेंटली मसाज करनी है। लाइक जितना आपको प्रेशर चाहिए उस हिसाब से आप करें। ये आप खुद से भी कर सकते हो घर पे, इवन आप अपने खुद के फिंगर से भी जेंटली मसाज कर सकते हो। ये और ये मसाज सिर्फ ऑयलिंग में नहीं, यानी हम घर पे जब शैम्पू करते हैं तो भी हमें ये जेंटली मसाज करना चाहिए। जब हम शैम्पू कर रहे हो तो जब शैम्पू हम करते हैं तो उस टाइम पे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके हेयर काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पाएगा। आप देख सकते हैं इनके हेयर में हमने ऑयल जो ले लिया था वो कम पड़ गए हैं, अभी हम और ऑयल ले रहे हैं, वो इसके लिए क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है और इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑयलिंग नहीं किया है। इन्होंने सेम प्रोसेस पीछे के साइड पे करना स्टार्ट किया है, ये पीछे से क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मसाज दे रहे हैं।
अब ये बैक साइड पे मसाज दे रहे हैं, वी एंगल में देना है आपको। उदित बताओ कैसे देना है। नीचे से स्टार्ट करना है आपको, पहले गर्दन के पार्ट को थोड़ा मसाज देना है वी शेप में, देखो ये वी बन है। उसके बाद आप धीरे धीरे ऊपर जाओ, अब ये इनके बालों में चंपी कर रहे हैं। अब हम नीचे से मसाज करते हुए ऊपर आएंगे। इससे क्या होता है कि आपके पूरे जोड़ में अच्छे से मसाज मिलता है और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये इनके बालों को लाइटली पुल कर रहे हैं। आप देख रहे हो इनकी लेंथ अभी भी बहुत ड्राई है, तो अभी हम लेंथ पे ऑयलिंग करेंगे। अब ये इनके हेयर लेंथ पे ऑयलिंग कर रहे हैं, जो कि इनका लेंथ रियली काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। इनके पूरे हेयर में ऑयल लग चुका है। सो ये बता रहे हैं कि इनके पूरे हेयर में ऑयल लग चुका है, इन्होंने पूरा ऑयलिंग कर लिया है। अब फिर से चंपी दे रहे हो। ओके, ये फिर से चंपी इनको दे रहे हैं। आई थिंक दीदी काफ़ी रिलैक्स फील कर रही है।
गाइज इनका हेयर ऑयल कम्प्लीट हो चुका है, अब ये इनके बालों में कोम कर रहे हैं। सो हमें कोम करने से ये पता चल जाएगा, एक तो सारे जो टैंगल्स पड़ गए हैं वो टैंगल्स निकल जाएंगे, साथ में ये भी पता चल जाएगा इनके हेयर फॉल कितने ज़्यादा होते हैं। सो गाइज देखते हैं कि इनके बालों में कितना ज़्यादा फॉल होता है इनके हेयर। काफ़ी कम हो रहे हैं हेयर फॉल इनके, सो ये अच्छी बात है। वैसे भी ये कंटिन्यू हमारे पार्लर से ऑयलिंग करवाती हैं, तो इनसे इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है और इनके फॉलिंग काफ़ी कम हो गए हैं। सो और एक बात दोस्तों, ये इनको पर्सनली इच्छा नहीं है कि ये हेयर कट करवाए, सो ये आप सबसे सजेशन मांग रही हैं कि अपने बाल को कट करवाए या ना कराए। सो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनको अपने बाल को कट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्यों इनको पर्सनली इनके लंबे बाल इनको बहुत पसंद है बट नीचे से काफ़ी रफ हो चुके हैं। सो हमारा सजेशन तो यही है कि ये स्प्लिटेंस या जो रफ बाल है उसको निकाल दें, बट ये आप सबसे सजेशन मांगना चाहती है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको मेरा ये वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये हेयर ऑयलिंग मसाज कैसा लगा, और प्लीज़ मैं यही बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, सो थैंक यू सो मच।